प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि बोर्ड द्वारा क्लास 10+2 मैथ्स का सैंपल पेपर जारी कर दिया गया है, यहां पे बताया गया है कि आपका जो फाइनल एग्जाम होगा वो दो पार्ट में कंडक्ट होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो अगर हम बात करें पार्ट 1 की, तो पार्ट 1 में हमारे पास इसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जो कि आपको सोल्व करने हैं, और पार्ट 2 का जो पेपर है, पार्ट 2 ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इसमें एमसीक्यूज भी होंगे, 1 वर्ड भी होंगे और ब्लैंक्स भी होंगे। आपकी जो परीक्षा का टाइम है वो दोपहर 12:30 से और 3 बजे तक है, यानी कि 2 घंटे और 30 मिनट की आपकी परीक्षा है। इसमें जो आपको पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए जो आपको पेपर मिलेगा वो परीक्षा खत्म होने से 1 घंटा पहले मिलेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है पार्ट 2 में, इसका जो क्वेश्चन पेपर है आपको परीक्षा खत्म होने से 1 घंटा पहले मिलेगा, यानी कि ये आपको 2 बजे मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपके पास 1 घंटा होगा। इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को भी और सब्जेक्टिव को भी एक ही आंसर शीट पे आपको सोल्व करना है। आंसर शीट एक ही रहेगी दोनों की, लेकिन शुरू में आपको पार्ट 1 यानी कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और जब परीक्षा का 1 घंटा रह जाएगा यानी कि जब 2 बज जाएंगे तो आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे वो दे दिया जाएगा, यानी कि इनको सोल्व करने के लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, टाइम की मैनेजमेंट करनी है। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं पार्ट 1 के पेपर की, जो हरियाणा बोर्ड ने सैंपल पेपर जारी किया है उसके पार्ट 1 यानी कि सब्जेक्टिव टाइप पेपर के बारे में आज हम बात करेंगे, और इससे हमें जो फाइनल एग्जाम की तैयारी है उसमें काफी सहायता मिलेगी। यहां पे अगर हम बात करें पार्ट 1 के क्वेश्चन पेपर की, तो पार्ट 1 जो कि हमारा सब्जेक्टिव टाइप है, इसमें 3 सेक्शन है। सेक्शन 1 जिसको हम सेक्शन ए कहेंगे, इसी तरह से सेक्शन 2 और सेक्शन 3। बात करें अगर सेक्शन 1 की, इसमें हमारे पास 6 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के लिए, ये 6 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स ईच, तो टोटल हमारे पास 12 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक, इसी तरह से बात करें अगर सेक्शन 2 की, तो इसमें 4 क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के लिए, यानी कि टोटल हमारे पास 16 मार्क्स हो जाएंगे। और सेक्शन 3 में हमारे पास 2 क्वेश्चन होंगे 6 मार्क्स के लिए, यानी कि 12 मार्क्स के लिए। यहां पे अगर इनका मार्क्स का टोटल करें तो 40 मार्क्स हो जाएगा, और अगर हम ये हमारे क्वेश्चंस हैं क्वेश्चंस का टोटल करें तो ये 12 हो जाएगा, 12 क्वेश्चंस और 40 मार्क्स। जो 6 मार्क्स के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे आपके, इनके आपको ऑप्शन में भी यानी कि और में भी आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा, यानी कि दोनों में से कोई भी आप उनमें से एक कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं पार्ट 1 का जो सैंपल पेपर है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो सैंपल पेपर में दिए हैं, ताकि आपको फाइनल एग्जाम की तैयारी में सहायता मिल सके। बात करें अगर सेक्शन 1 की, तो सेक्शन 1 में सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए हैं। यहां पे हमारे पास सेक्शन 1 में 6 क्वेश्चन होंगे, तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है सेक्शन 1 के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास y =
टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन आपका इफ y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर फाइंड dy बाय dx। फाइंड dy बाय dx मींस इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। तो ये आपके पास 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से दिया हुआ है। हम लिखेंगे यहां पे लिखा था इफ, तो अब हम इसको सॉल्यूशन फाइंड करें। अगर हम लिखेंगे कि गिवन y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। एक तो तरीका हमारे पास ये है कि जो टेंजेंट इनवर्स के लिए डेरिवेटिव होता है टेंजेंट इनवर्स x का, पहले वो करेंगे फिर अंदर जो पार्ट है उसके लिए करना पड़ेगा और उस पर हमें क्वेश्चन टूल अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन एक तरीका हो रहा है कि हम यहां सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। हमें पता है कि टेंजेंट टू ए ये होता है 2 टेंजेंट ए डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। तो ये हम यहां पे यूज कर सकते हैं। अब आप देखो इसको अंदर वाले पार्ट को देखें तो ये कुछ इसी टाइप का है। तो हम क्या करते हैं, लेट ये पुट कर देते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट ए, ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 टेंजेंट ए डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। और अब हम इसको लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स, ये वाला जो पार्ट है हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, टेंजेंट 2a के। अब आप देखो ये टेंजेंट इनवर्स है और ये टेंजेंट है, तो हमारे पास कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 2a, हमारे पास रह गया 2a। तो 2a के लिए अब हम इसको सोल्व करना है। अब देखो a की वैल्यू, टेंजेंट ए की वैल्यू अगर एक्स है तो ए की वैल्यू कितनी होगी, टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो वाई इज इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स, ए की वैल्यू रिप्लेस कर दी क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, डीवाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। अब यहां पे लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ये आ जाएगा हमारे पास डीवाई बाई डी एक्स। 2 तो कॉन्स्टेंट है, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं कि dy बाय dx दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। तो सिंपल एक, वैसे भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसा ही ये क्वेश्चन लिया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 2 की, यहां पे दिया गिवन है हमारे पास इफ y इज इक्वल टू a इज टू पावर 3x प्लस b इज टू पावर 2x देन शो दैट d2y डिवाइड बाय dx स्क्वायर माइनस 5 dy बाय dx प्लस 6y दैट इज इक्वल टू 0। डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी कह देते हैं। मीन्स यहाँ पे इसका मीनिंग ये है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये हमें शो करना है। ये आपके पास अगेन डिफरेंशिएशन से एक क्वेश्चन आ जाता है। हमारे पास ये 5.7 एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन लिया गया है, तो हम इसको लिखे। अगर इसका सोल्यूशन देखें, गिवन वाई इज इक्वल टू a इज टू पावर 3x प्लस b इज टू पावर 2x, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dy बाई dx भी निकालना पड़ेगा, d2y बाई dx स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट dy डिवाइड बाय dx। ये तो देखो कांस्टेंट है, e रेस टू पावर 3x का यही होगा मल्टीप्लाइड बाय 3x का हो जाएगा 3 प्लस b कांस्टेंट है, e रेस टू पावर 2x का e रेस टू पावर 2x और 2x का हो जाएगा 2। तो dy बाय dx
ये हो गया 3a ई रेस टू पावर 3x प्लस 2b ई रेस टू पावर 2x, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। अब हम लिख देंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, एक बार फिर इसका डिफ्रेंशिएशन हम कर देते हैं। तो डीवाई बाई डी एक्स का क्या, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा, यानी कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो 3a तो कांस्टेंट है, 3a ई रेस टू पावर 3x इंटू 3x का डेरिवेटिव प्लस 2b कांस्टेंट है, ई रेस टू पावर 2x का ई रेस टू पावर 2x ही होगा और 2x का हमारे पास 2 बन जाएगा। तो यहां पे हमारे पास डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा 9a ई रेस टू पावर 3x प्लस 4b ई रेस टू पावर 2x, 3 के साथ मल्टीप्लाई 9 और ये हमारे पास था ई रेस टू पावर 3x और ये 4 2b और ये 2 था तो 2b की 2 के साथ की तो 4b ई रेस टू पावर 2x, इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब हमें ये प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारे पास डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाय डी एक्स प्लस 6y। अब ये वैल्यू हम इसके अंदर यहां पे पुट कर देते हैं, डी टू वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर ये दी हमारे पास, ये है 9a ई रेस टू पावर 3x प्लस 4b ई रेस टू पावर 2x, ये हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दी, माइनस 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 3a ई रेस टू पावर 3x प्लस 2b ई रेस टू पावर 2x प्लस 6 वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू है a ई रेस टू पावर 3x प्लस b ई रेस टू पावर 2x। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, यहां से हमारे पास 9a ई रेस टू पावर 3x प्लस 4b ई रेस टू पावर 2x, ये तो था ही, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस के 15a ई रेस टू पावर 3x माइनस के 10b ई रेस टू पावर 2x प्लस 6a ई रेस टू पावर 3x और प्लस 6b ई रेस टू पावर 2x। अब a वाला एक तो ये है हमारे पास, एक ये है और एक ये है, सॉरी एक ये है। देखो 9a ई रेस टू पावर 3x और प्लस के 6a ई रेस टू पावर 3x, तो कितने हो जाएंगे 15a ई रेस टू पावर 3x और ये माइनस के 15a ई रेस टू पावर 3x, यानी कि ये और ये हम लिख सकते हैं कि 15a ई रेस टू पावर 3x माइनस 15a ई रेस टू पावर 3x। b वाले देखें 4b ई रेस टू पावर 2x और प्लस के 6b ई रेस टू पावर 2x, यानी कि 10b ई रेस टू पावर 2x और ये हमारे पास माइनस के 10b ई रेस टू पावर 2x, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया और ये इसके साथ कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव, प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, बस आपको क्या करना था, जो फंक्शन दिया हुआ, जो वाई की वैल्यू दी हुई है उसका डेरिवेटिव किया फर्स्ट, सेकंड डेरिवेटिव किया और इसमें लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पुट कर दिया, सिंपली सोल्व किया तो अपने आप ही सारे कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास सोल्व द इक्वेशन, सोल्व द इक्वेशन, हमें इक्वेशन को सोल्व करना है और हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है वो है 3x डीवाई डिवाइड बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू वाई कोट एक्स गिवन
एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू, वाई इज इक्वल टू वन। तो सॉल्व द इक्वेशन, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है ये हमारे पास। डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और साथ में गिवन दी है एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू, वाई इज इक्वल टू वन। ये किस लिए दिया हुआ है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ है हमारे पास ये। तब आप देखें अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें हम, तो हमारे पास क्या गिवन है? गिवन डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू वाई कोट एक्स। पहले विद्यार्थियों अगर हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की, तो आपके पास तीन मेथड है। एक तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल 9.4 एक्सरसाइज, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन 9.5 एक्सरसाइज और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 9.6 एक्सरसाइज, जो आपके सिलेबस से डिलीट हो चुकी है। तो 9.4 और 9.5 वेरिएबल सेपरेशन हम पहले कोशिश करेंगे, वेरिएबल सेपरेट हो उसके, एक्स की टर्म एक तरफ और वाई की टर्म एक तरफ। अब यहां से देखो ये पॉसिबल है, हम लिख सकते हैं कि डी वाई डिवाइड बाई वाई और ये हमारे पास हो गया कोट एक्स डी एक्स। वाई की टर्म एक तरफ और एक्स की टर्म एक तरफ। अब हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड में हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डी वाई डिवाइड बाई वाई और ये कोट एक्स डी एक्स। अब हमें इनकी इंटीग्रल फाइंड करने हैं। अब आप देखें ये 1/y है, यानी कि क्या हो जाएगा? लॉग वाई। आप बोर्ड में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, तो यहां पे हमने लिख दिया लॉग वाई। और इंटीग्रल कोटेक्स का इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ साइन एक्स, क्योंकि कोटेक्स होता है कोस बाय साइन, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो ये लॉग ऑफ साइन एक्स। आप मोड एक्स लगाना चाहिए तो लगा सकते हैं प्लस सी। अब हमारे पास क्या है? गिवन है। गिवन अगर ये बात ना कहता तो यही हमारा आंसर होता। अब यहां पे गिवन एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू एंड वाई इज इक्वल टू वन, तो इसमें पुट कर दे, ये हो जाएगा लॉग वन दैट इज इक्वल टू लॉग साइन पाई बाय टू प्लस सी। लॉग वन की वैल्यू होती है जीरो, साइन पाई बाय टू यानी कि साइन नाइनटी वन और लॉग वन भी हमारे पास जीरो प्लस सी। तो यहां से जब हमने वैल्यू निकाली तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो। तो इसको इक्वेशन वन मान लें तो हम क्या लिख देंगे? नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन वन, क्या आ जाएगा? लॉग वाई दैट इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। आप एक काम और कर सकते हैं, यहां पे आप चाहे तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि दोनों साइड में लोग एंटी लॉग ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म की बात करें, हमने सीखा है कि अगर ये टर्म लॉग में आई हुई है तो c को भी हम लॉग में ले लेते हैं, तो इसको ऐसे भी कर सकते थे लॉग y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स प्लस लॉग सी। सी की जगह पे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए लॉग सी लिख ले। अब यहां पे देखें लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, क्या हो जाएगा? लॉग एम एन, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा लॉग सी साइन एक्स। और टेकिंग एंटी लॉग तो ये लॉग कैंसिल हो जाएंगे, तो वाई इज इक्वल टू सी साइन एक्स। तो ये है हमारे पास सॉल्यूशन। एक फॉर्म ये भी आंसर की, एक फॉर्म ये आंसर की, एक फॉर्म ये है। अब देखो कंडीशन की वन है कि x इज इक्वल टू पाई बाय टू और y इज इक्वल टू वन, रखो इसमें y की वैल्यू वन, c साइन पाई बाय टू वन, यानी कि वन इज इक्वल टू c या फिर c इज इक्वल टू वन। तो जो c की वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू c की जगह पर वन रखेंगे तो y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, यहां से भी यही आंसर आया। तो जिस भी तरीके से आप करना चाहें कर सकते हैं। यहां पे ये बात ध्यान रखेंगे कि जब हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो बाकी की टर्म कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के अलावा अगर बाकी की टर्म लॉग में है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लॉग में ले लेते हैं। अगर टेंजेंट इनवर्स में है बाकी की टर्म, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी हम टेंजेंट इनवर्स में लेके फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो इससे हमारे पास और सिंप्लीफाइड फॉर्म आंसर की आ जाती है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर फोर की तो इसमें कहा गया है द प्रोबेबिलिटी दैट ए बल्ब विल फ्यूज विद इन एन ईयर इज 0.05। द प्रोबेबिलिटी दैट ए बल्ब विल फ्यूज विद इन एन ईयर इज 0.05। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ थ्री बल्ब्स will fuse within the year। प्यारे बच्चों आपके पास ये क्वेश्चन दे दिया, यहां पे ये जो क्वेश्चन है वो 13.5 एक्सरसाइज से है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ये क्वेश्चन दे दिया गया। यहां पे कहा गया है द प्रोबेबिलिटी दैट ए बल्ब विल फ्यूज विद इन एन ईयर इज 0.05। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ फाइव बल्ब्स थ्री विल फ्यूज, आउट ऑफ फाइव यानी कि एन की वैल्यू कितनी है फाइव, थ्री विल फ्यूज विद इन द ईयर, तो उनमें से तीन फ्यूज हो जाए विद इन द ईयर। इसके सॉल्यूशन की बात करें अगर हम, लेट पी बी द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब विल फ्यूज विद इन एन ईयर दैट इज इक्वल टू, लेट पी बी द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब विल फ्यूज विद इन एन ईयर, तो पी मान लिया हमने इसको, एंड क्या वो बी द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब विल नॉट फ्यूज विद इन एन ईयर, यानी कि पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मानते हैं, क्या वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मानते हैं। सक्सेस जिसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो सक्सेस है। अब दिस इंप्लाइज यहां पे देखें की वैल्यू कितनी है 0.05, क्या वो किस बात की प्रोबेबिलिटी है उसके फ्यूज ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या वो क्या होगा 1 माइनस पी यानी कि 1 माइनस 0.05 ये आ जाएगा 0.95। तो ये हमारे पास किसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, क्या उनकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, तो पी की आ गई प्रोबेबिलिटी, क्या उनकी प्रोबेबिलिटी आ गई, आउट ऑफ कितने बल्ब में से बात हो रही है फाइव में से, तो एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास एन इज इक्वल टू फाइव, एन की वैल्यू हमारे पास फाइव है, थ्री विल फ्यूज और आर की वैल्यू रिक्वायर्ड सक्सेस कितनी है थ्री, तो थ्री फ्यूज हो जाए तो आर की वैल्यू होगी हमारे पास थ्री, तो पी आ गया, क्या वो आ गया एन आ गया और आर आ गया। तो अब इसके लिए हमें सोल्व करना है, नाउ यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन हम यहां पे यूज कर लेते हैं, क्या है पी एक्स इज इक्वल टू आर एन सी आर पी रेज टू पावर आर और क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर, तो हमने यूज कर लिया। अभी वैल्यूज पुट कर लिए आपको, तो x इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास थ्री, दैट इज इक्वल टू n इज फाइव, फाइव सी थ्री, p इज 0.05, r की वैल्यू थ्री है और q इज
0.95, यह हमारे पास 5 माइनस 3, तो 5 से 3 को हम लिख सकते हैं, एनसीआर एनसीएल माइनस आर होता है 5 से 3। एक तो तरीका हमारे पास यह है कि हम इसको ऐसे लिख दें 5 फैक्टोरियल, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है एनसीआर एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 यानी कि 2 फैक्टोरियल। यहां पे हमारे पास ये 5 4 और इसको 3 फैक्टोरियल लिख लेते हैं, 3 फैक्टोरियल हमारे पास है ये और ये 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हो गया, इसके साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास ये 10 मिलेगा हम यहां से। दूसरा तरीका ये है कि 5C3 को हम 5C2 लिख सकते हैं, एनसीआर एनसीआर किसके इक्वल होता है एनसी एन माइनस आर के इक्वल होता है, तो 5C3 को 5C2 लिख सकते हैं, और इसको करने का आसान तरीका होता है 2 इंटू 1, नीचे वाला लिख ले 1 तक, तो 2 इंटू 1 5 और ये 4, तो इसके साथ कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहां से तो हमें कितना मिल गया, इसको 5C2 लिखे तो ये 5 4 और ये 2 1, ये हमारे पास 0.05 क्यूब है और 0.95 इसका स्क्वायर है, तो इससे मिला हमें 10, ये है हमारे पास 0.05 क्यूब और ये है हमारे पास 0.95 स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहां पे अगर आपके पास समय है तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, अगर आपके पास समय है तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी को यहीं पे आंसर लिख देंगे, इसमें कोई भी आपका मार्क्स नहीं कटेगा, आप चाहे तो इसको यहां पे छोड़ सकते हैं, अगर आपके पास लगता है कि टाइम है कैलकुलेशन कर सकते हैं तो आप इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो एक्सरसाइज 9.5 है, सॉरी 13.5 है, प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन ले लिया गया है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है फाइंड दी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू i+3j+7k, आई जे के आर दी यूनिट वेक्टर्स ऑन वेक्टर बी, इट इज 7i-j+8k। प्यारे बच्चों अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ रखा है तो ये बेहद सिंपल क्वेश्चन है, तो यहां पे अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो हमें गिवन वेक्टर ए इज i+3j+7k, ये वेक्टर ए गिवन है, इसी तरह से वेक्टर बी जो गिवन है वो हमारे पास है 7i-j+8k, तो ये हमारे पास वेक्टर बी गिवन है। अब हमें फाइंड करना है, हम लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू a.b/magnitude of b, तो ये आपको फॉर्मूला है आपका ए वेक्टर से बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन को फाइंड करने का। अब यहां पे आप क्या करें, अलग से या फिर यहीं पे कर ले, कोई बहुत बड़ी सी कैलकुलेशन होगी नहीं होगी, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि अलग से भी कर सकते हैं, यहां करना चाहिए तो यहां पे भी कर सकते हैं। ए वेक्टर है हमारे पास i+3j+7k डॉट बी वेक्टर है हमारे पास 7i-j+8k डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्केयर रूट ऑफ 7² + -1² माइनस जी है ना, तो -1² + k 8² इसके लिए सोल्व करेंगे। अब देखो इसका कोएफिशिएंट है 1, इसका 7, तो 1 × 7 7 आ जाएगा, इसका 3, इसका -1 तो -3 आ जाएगा,
यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8, 7 के और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, 6 आ जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो इनके कोएफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई करनी है, तो 1 और 7, यहाँ पे 1 यहाँ पे 7 प्लस यहाँ पे 3 और यहाँ पे हमारे पास देखो इसके लिए 1 था इसके लिए 7 था तो ये हमने लिख दिया, इसके लिए 3 और इसके लिए -1 ये लिख दिया हमने, प्लस यहाँ पे 7 और इससे 8 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ये हो गया हमारे पास 49, नेक्स्ट ये 1 और ये 64। अब यहां से हमारे पास आ गया ये 7 - 3 प्लस 56, 7 - 3 प्लस 56 डिवाइड बाय यहां पे हमारे पास ये हो जाएंगे 50 और 60 110, तो ये आ गया हमारे पास 114, ये मिला हमारे पास यहां से। तो अब 4 ये 60 हो जाएगा, 60 डिवाइड बाय रूट 114 से अगर आप कुछ कर पाए तो, नहीं तो फिर आप इसको यहीं छोड़ दें, तो यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। यहां से अगर इसका हाफ करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 57, तो 57 से आगे नहीं, ऐसा कुछ विशेष इसमें से निकलने नहीं, हम क्या चाह रहे थे कोई ऐसा फैक्टर निकाल लेते जो परफेक्ट स्क्वायर था, मींस 4 निकल जाता तो 4 से बाहर 2 आ जाता, 9 होता तो बाहर हमारे पास कितना आ जाता 3 आ जाता, तो ऐसा कुछ नहीं निकला, तो आप इसको यहीं पे छोड़ दें। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ इसी तरह का आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द लाइंस, तो लाइंस हमारे पास गिवन है x-1/3 इक्वल टू y-2/2k एंड z-3/2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। सेकंड लाइन है x-1/-3k y-1/1 और z-6/-5। तो यहां पे इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। रिपीट करते हैं क्वेश्चन के, इसमें कहा गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द लाइन x-1/3 दैट इज इक्वल टू y-2/2k दैट इज इक्वल टू z-3/2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन x-1/-3k इक्वल टू y-1/1 दैट इज इक्वल टू z-6/-5। तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, उसने कहा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, और लैम्डा यहाँ कहीं आया ही नहीं, तो ये क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, लैम्डा नहीं है ये बात ध्यान रखोगे, k के लिए है क्वेश्चन ये। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पास। तो हम क्या लिखेंगे कि गिवन लाइन्स आर, तो ये हमारे पास लाइन्स गिवन है। अब इनको वेक्टर फॉर्म में लिखें, अगर ये जो लाइन है लाइन 1 पासिस थ्रू पॉइंट, इस पॉइंट से 1 2 3 1 2 3 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशोज कितने हैं 3 2k और 2 3 2k और 2। तो ये हमने लिखा कि लाइन 1 पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो 3 2k एंड 2। सिमिलरली लाइन टू पासिस थ्रू पॉइंट
वन वन और सिक्स एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज माइनस थ्री के वन और माइनस फाइव। अब आप देखिए इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म लाइन वन एंड लाइन टू आर गिवन बाय, इनको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, तो यहां से देखो इसके लिए आर इज इक्वल टू लाइन वन के लिए ये पॉइंट है तो ये वेक्टर ये हो गया हमारे पास, ये आएगा आई प्लस टू जे प्लस थ्री के प्लस लैम्डा इंटू ये हो जाएगा थ्री आई प्लस टू के। देखो ये यूनिट वेक्टर है और ये क्या अलग है, ध्यान रखेंगे इस तरह से, ये आई जे और के तो यूनिट वेक्टर के लिए और के उसने खुद भी दिया हुआ है, या फिर आप जहां पे भी के है वहां पे लैम्डा कर ले उसके साथ, जैसे उसने शुरू में फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो लैम्डा के लिए भी कह सकता है और के लिए भी कह सकता है प्लस टू के, तो स्केलर के हैं वो निकालना है, ये हमारे आई जे के तो यूनिट वैक्टर्स है। इसी तरह से इसको अगर थ्री माने, इसके लिए हमारे पास क्या बनेगा आई प्लस जे प्लस सिक्स के प्लस, यहां लैम्डा लिखा तो यहां म्यू लिख ले, यहां पे आ गया माइनस थ्री के आई प्लस जे वन, वन जे से तो जे लिख दिया माइनस फाइव के, तो ये हमारे पास फोर हो गया। अब देखो ये जो आपके पास सिंपल फॉर्म में थी यानी कि कार्टेशियन फॉर्म में थी, हमने उसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, तो अब यहां पे हमारा ये जो है ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है और ये डी वेक्टर है, क्योंकि टू मार्क्स के लिए क्वेश्चन है तो हम यहां सिंपली लिख सकते हैं। हम लिखेंगे कि लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ बी डॉट डी दैट इज इक्वल टू जीरो, लाइन परपेंडिकुलर होती है अगर बी डॉट डी जीरो होता है, तो ये हमारा बी वेक्टर है और ये डी वेक्टर है, तो इनका डॉट कर दें, तो जब यहां पे करते हैं थ्री आई प्लस टू के जे प्लस टू के डॉट माइनस थ्री के आई प्लस जे और माइनस फाइव के दैट इज इक्वल टू जीरो, डॉट प्रोडक्ट यहां कोएफिशिएंट थ्री है, यहां पे कोएफिशिएंट माइनस थ्री के है, यहां पे कोएफिशिएंट टू के है और यहां पे कोएफिशिएंट वन है, प्लस यहां पे कोएफिशिएंट टू है और यहां पे कोएफिशिएंट माइनस फाइव है दैट इज इक्वल टू जीरो। देखो ये जो के है दूसरे वाला ये तो यूनिट वेक्टर है, इसको ध्यान रखना, इसको मत इंडिकेट इंक्लूड कर लेना इसमें, तो यहां से आगे हमारे पास माइनस नाइन के प्लस टू के और माइनस के टेन दैट इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस सेवन के रह जाएंगे ये, सेवन के माइनस टेन दैट इज टेन, माइनस सेवन के इज इक्वल टू प्लस के टेन हो जाएंगे, सेवन के इज माइनस टेन, के इज इक्वल टू माइनस टेन डिवाइड बाय सेवन, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहां पे k की वैल्यू हमारे पास कितनी होनी चाहिए, माइनस टेन डिवाइड बाय सेवन, इसके लिए जिससे कि ये दोनों लाइनें आपस में क्या हो जाए परपेंडिकुलर हो जाए। तो प्यारे बच्चों यहां पे हमारे पास जो सेक्शन वन है वो कंप्लीट हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं सब्जेक्टिव टाइप पेपर जिसको पार्ट वन पेपर कहते हैं उसके सेक्शन बी की, और अगर हम सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो इसमें फोर मार्क्स के फोर क्वेश्चन है, यानी कि टोटल यहां पे 16 मार्क्स के लिए आपके पास फोर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए, तो यहां पे काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, बेहद इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे,
बस आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए अच्छी तरह से। तो देखते हैं कि हमारे सैंपल पेपर में किस तरह के जो क्वेश्चन है आपके जो एग्जाम की तैयारी के लिए दिए गए हैं। प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है और क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² + 9x + 15 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहां पे फंक्शन दिया हुआ है और इंटरवल पूछा गया है जिसमें ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो आपसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछे या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछे या दोनों ही पूछे तो क्वेश्चन सेम ही रहेगा, सेम स्टेप चलेंगे इसके। तो देखते हैं प्यारे बच्चों इसका सॉल्यूशन। तो यहां पे हमारे पास अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो गिवन एफ एक्स है हमारे पास, फंक्शन गिवन है यह x³ - 6x² + 9x + 15। अब हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैलकुलेट करने के लिए इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, एफ डैश एक्स यानी कि इसका डेरिवेटिव हमने कर दिया तो ये हो जाएगा 3x² - 12x + 9 और इसका जीरो हो जाएगा। तो अब इंटरवल निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एक्सट्रीम वैल्यू निकालने के लिए इसको ये जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स है इसको जीरो के साथ इक्वेट करना है। यहां पे प्यारे बच्चों इसको जीरो के साथ इक्वेट करने से पहले हम एक स्टेप कर रहे हैं, हमने क्या किया एफ डैश एक्स इसमें सब जो कुछ कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लें। तो यहां से हमारे पास 3 कॉमन आ गया तो ये आ गया हमारे पास x² - 4x + 3। अब इसके फैक्टर बनाने हैं आपको, तो इसके जब आप फैक्टर बनाएंगे तो एफ डैश एक्स 3 तो बाहर ही है, आप चाहे तो इसके फैक्टर अलग से बना सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास ये है x² - 3x - x और +3। तो 10th क्लास में जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम फैक्टर बनाते हैं तो एफ डैश एक्स 3 तो है ही हमारे पास ये। अब इसको देखो ऐसे कर लेते हैं, यहां से हम x कॉमन ले लेते हैं तो x - 3 - 1 कॉमन ले लेते हैं x - 3 तो एफ डैश एक्स तो 3 यहां पे देखो x - 3 और ये x - 1 यहां पे पहुंच गए। आप चाहते चाहो तो यहां पे इसको एफ डैश एक्स को सीधा ही जीरो के साथ इक्वेट करते हो कर सकते हो एक्सट्रीम वैल्यू के लिए, लेकिन मैंने ऐसा क्यों नहीं किया वो आपको अभी थोड़ी देर में बताते हैं। तो अब हम लिखेंगे कि फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज पुट एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू 0 इट मीन्स 3x - 3 × x - 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो 3 तो 0 हो नहीं सकता, x - 3 = 0 एंड x - 1 = 0। तो यहां से x की वैल्यू 3 आ गई और यहां से x की वैल्यू 1 आ गई। सो यहां पे अब हम यहां ऊपर कर लेते हैं, अब x की वैल्यू आई हमारे पास 1 और 3। तो आप रियल लाइन प्लॉट कर ले, इससे क्या होगा आपको काफी हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन को ज्यादा बढ़िया तरीके से समझने में। तो यहां पे 0, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, 4, -1 -2 -3 -4। तो अब देखो हमने ये रियल लाइन प्लॉट कर ली तो इसमें जो एक्सट्रीम वैल्यू है 1 और 3, तो ये हमारे पास 1 हो गया और ये हमारे पास 3 हो गया। आप इसको समझे, ये एक रियल लाइन थी, जब ये 2 एक्सट्रीम वैल्यू इस पे आई तो इस रियल लाइन की जो 3 ब्रेक हो गई, 3 टुकड़े हो गए, एक तो ये -∞ से लेके 1 तक, एक ये 1 से लेके 3 तक और एक ये 3 से लेके ∞ तक, 3 ब्रेक्स हो गई यानी कि हमें 3 इंटरवल मिल गए -∞ से 1। ये ओपन इंटरवल लाइन ध्यान रखें, ये हमारे पास -∞ से 1 यहां से यहां तक का, अब यहां से यहां तक का 1 to 3 और यहां से आगे का 3 to ∞। तो ये 3 इंटरवल मिल गए और क्वेश्चन इसका यही था, फाइंड द इंटरवल। अब इंटरवल तो मिल गया, हमें ये बताना कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कौन से हैं। तो अब देखो एक एक करके लेते हैं, 4x < 1 1 से लेस यानी कि इधर वाला सारा, यानी कि किस इंटरवल की बात कर रहे हो, -∞ से 1। आप चेक करें कि एफ डैश एक्स कैसा है,
एफ डैश एक्स। अब एक्स इज लेस देन वन, लेस देन वन आप कुछ भी सोच ले तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब देखो हम यहां पे सोच लेते हैं कि से एक्स इज इक्वल टू वन से लेस, कुछ भी सोच सकते हैं आप, मैंने जीरो सोच लिया, तो एफ डैश एक्स क्या होगा। एफ डैश एक्स देखो यहां पे हम एफ डैश एक्स पे आते हैं इस जगह पे, यहां पे एफ डैश एक्स थ्री तो थ्री ही रहेगा, यहां पे जीरो पुट करेंगे तो ये माइनस के थ्री बनेंगे यानी कि नेगेटिव बनेगा, यहां पे जीरो पुट करेंगे तो ये भी माइनस वन बनेगा यानी कि नेगेटिव बनेगा। अब नेगेटिव की नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि ग्रेटर देन जीरो आया। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल कौन सा हुआ माइनस इंफिनिटी टू वन, लेकिन हमें तो डिक्रीजिंग का पता है। अब आगे देखें फोर एक्स का है वन से थ्री पे है, वन इज वन से थ्री के बीच में हम इस तरह से लिख देंगे वन इज लेस देन एक्स इज लेस देन थ्री। एफ डैश एक्स इसके बीच की कोई भी एक वैल्यू सोचिए वन से थ्री के बीच में, यहां पे हम सोच रहे हैं कि से एक्स इज इक्वल टू टू ले लिया हमने। एफ डैश एक्स देखो थ्री तो थ्री ही रहा, टू माइनस थ्री माइनस वन यानी कि नेगेटिव, टू माइनस वन यानी कि वन मीन्स पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा मीन्स लेस देन जीरो। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल वन टू थ्री। ठीक इसी तरह से फोर एक्स इज ग्रेटर देन थ्री, थ्री से गेट इस इंटरवल के लिए एफ डैश एक्स यहां पे आप देख सकते हो कि से एक्स इज इक्वल टू फोर, कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप इधर थ्री से ग्रेटर कोई भी वैल्यू ले। अब देखो थ्री तो थ्री ही रहेगा, यहां फोर माइनस थ्री वन यानी कि पॉजिटिव, फोर माइनस वन यानी कि थ्री ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा ग्रेटर देन जीरो। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, कौन सा इंटरवल हुआ ये थ्री टू इन्फिनिटी। तो प्यारे बच्चों इसमें तीनों तीन तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एक तरीके से। दूसरा हो सकता है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और तीसरे तरीके से हो सकता है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहां पे तीनों ही तरीके से इस तरह से चलेगा ये हमारे पास। अब उसने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए पूछा था, तो आप देख रहे कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कौन से वाले पार्ट में आया, तो इस पार्ट में हमारे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो लास्ट पे लिख देंगे हम एक बार और, लास्ट में लिख देंगे कि हेंस एफ एक्स जो है हमारा एफ एक्स, या फिर सीधा ही क्योंकि एफ एक्स हमने लिख दिया, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, डिक्रीजिंग कौन से हुआ वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन से लेके और थ्री के बीच में। तो पहले बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। एक बात और ध्यान रखेंगे, ये जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है ये अल्टरनेट में चलते हैं। अब फर्स्ट में अगर इंक्रीजिंग आया तो सेकंड में डिक्रीजिंग, थर्ड में, फर्स्ट में इंक्रीजिंग, सेकंड में डिक्रीजिंग, थर्ड में फिर इंक्रीजिंग। अगर फर्स्ट में डिक्रीजिंग आया होता तो उससे आगे इंक्रीजिंग आता फिर डिक्रीजिंग आता, तो ये अल्टरनेट में चलते हैं, पहले जो आएगा उससे दूसरा आएगा, फिर जो पहले वाला है वही रिपीट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां से वेरिफिकेशन हो गया, देखो पहले हमारे पास क्या आया था, पहले हमारे पास इंक्रीजिंग आया, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग आया, और फिर उसके बाद इंक्रीजिंग आया। तो ये तो हमने लास्ट में
आंसर लिखा है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके फाइनल एग्जाम में आने के बेहद ज्यादा इसके चांस है। और दूसरी बात, चाहे इंक्रीजिंग आए चाहे डिक्रीजिंग आए चाहे दोनों आए, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो सेम रहेगा, कोई ज्यादा इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कंप्लीट हो जाता है। चलिए बच्चों, ठीक इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास हमसे पूछा गया है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू y। तो यहां पे ये हमारे पास जो क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से एक्सरसाइज 8.2 से है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो हमारे पास टू कर्व्स गिवन है और इनके बीच में जो एरिया बाउंडेड है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास गिवन कर्व्स आर, हमारे पास टू कर्व्स हैं, एक तो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इसको 1 मान लेते हैं, और एक है एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वाई, इसको 2 मान लेते हैं। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कर्व डिनोट क्या कर रहे हैं। तो ये दोनों ही हमारे पास पैराबोला है, तो पैराबोला के लिए ये हमारे पास वाई स्क्वायर है और यहां पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास राइट हैंडेड पैराबोला है और इसमें एक्स स्क्वायर है और ये पॉजिटिव है, प्लस का साइन है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये अपवर्ड पैराबोला है। तो हम लिखेंगे कि इक्वेशन वन इज ए राइट हैंडेड पैराबोला विद वर्टेक्स एट 0, 0। ठीक इसी तरह से सिमिलरली इक्वेशन टू इज एन अपवर्ड पैराबोला विद वर्टेक्स एट 0, 0। अब हमें पैराबोला के बारे में तो पता चल गया कि दोनों जो पैराबोला है, एक तो है अपवर्ड पैराबोला और एक है राइट हैंडेड पैराबोला, तो टू पैराबोलास है। अब इनको प्लॉट करना है हमें, तो इनको प्लॉट करने के लिए हम कुछ पॉइंट्स लेके इनको प्लॉट कर सकते हैं। दूसरा, एरिया बाउंडेड कैलकुलेट करने के लिए हमें लिमिट चाहिए, लिमिट अभी दी नहीं हुई हमारे पास, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना पड़ेगा। एक तो है हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स 1 और एक है हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू y 2। अब हम क्या लिखते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन टू में देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, इन इक्वेशन वन ये शॉर्ट पे लिख दिया आप, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, y की जगह पे x के लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास x रेस्ट टू पावर 4 दैट इज इक्वल टू x रेस्ट टू पावर 4 माइनस x इज इक्वल टू 0, एक्स को एक्स क्यूब माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, या तो x इज इक्वल टू 0 या एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां तो x इज इक्वल टू 0 ही है, तो यहां से x क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू, ये 1 को क्यूब हो जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू 1। अब देखिए when x इज इक्वल टू 0 y x के रहा, तो y इज इक्वल टू 0, when x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर भी 1 ही हुआ। अब देखो यहां से हमारे पास पॉइंट क्या मिल गया, 0, 0, और यहां से हमारे पास पॉइंट क्या मिल गया, 1, 1,
सो 00 एंड 11 आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 00 और 11 इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी कि ये जो दो कर्व है जब इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो 00 और 11 पे ये इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। अब देखो, अगर आप इसका रफ ग्राफ भी प्लॉट करते हो, अगर आप इसका रफ ग्राफ भी प्लॉट करो तो भी आपके पास जो सिचुएशन है वो क्लियर हो जाएगी। यहां पे एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, यहां पे हमने 1 2 3 4 और 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 आप चाहे तो इनके लिए थोड़े थोड़े पॉइंट और निकाल सकते हो। जैसे जैसे अगर हम 4 कर्व वन के लिए इस तरह से आप कोई भी 2-4 पॉइंट निकाल सकते हो एक्स और वाई। देखो एक्स की वैल्यू जब 0 है तो वाई की वैल्यू भी 0 है, जब एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई स्केल इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू +-1, 2 पॉइंट मिल गए 1 1 और 1 -1। अब एक्स की वैल्यू 4 रख लो, 4 रखोगे तो वाई स्केल 4 हो जाएगा, वाई +-2 हो जाएगा, तो ये 5 पॉइंट बहुत है हमारे पास। ठीक इसी तरह से 4 कर्व 2 के लिए इसी तरह से एक्स और वाई। अब देखो अगर आप एक्स की वैल्यू रखोगे तो वाई की एक वैल्यू मिलेगी, अगर वाई की रखोगे तो एक्स स्क्वायर है वो, तो ऐसे जैसे हमें यहां 2 वैल्यू मिल गई है तो डबल पॉइंट मिल जाएंगे हम, तो वाई की वैल्यू रखते हैं। जब वाई 0 है तो एक्स स्क्वायर 0, यानी कि एक्स भी 0, जब वाई 1 तो एक्स +-1, जब वाई 4 तो एक्स +-2, इस तरह से डबल डबल वैल्यू मिल जाती है। इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप किसी और क्वेश्चन में भी आपके काम आ जाए, तो इस वजह से हमने इसको सोल्व कर लिया। अब आप देखिए हम इन कर्व्स को प्लॉट करें, पहले बात करते हैं कर्व 1 की। कर्व 1 हमारे पास राइट हैंडेड पैराबोला है, एक्स 0 वाई 0, जब एक्स 1 है तो वाई +-1 है, जब एक्स 1 है तो वाई हमारे पास +1 है और -1 है, जब एक्स 4 है तो वाई +-2 है, तो जब एक्स 4 है तो वाई +और -2 है। तो हमें राशि प्लॉट कर रहे हैं तो हम इसको इस तरह से प्लॉट कर देते हैं, तो ये हमारे पास राइट हैंडेड पैराबोला हो गया। इस पे आप 1 लिख सकते हो या फिर वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हो। ठीक इसी तरह से अब सेकंड पे आ जाओ, सेकंड के लिए हमारे पास क्या है, सेकंड में है हमारे पास एक्स 0 वाई 0। एक्स जब +-1 है तो वाई 1 है, तो वाई 1 के लिए वाई 1 ये रहा एक्स +1 और एक्स -1, जब वाई 4 है तो एक्स +-2 है, तो +2 और -2। तो ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट इनको हमें मिलाना है, तो ये हमारे पास राइट हैंडेड पैराबोला आ जाएगा। तो अब आप देखें ये हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, अब दोनों के जो बीच में एरिया आया वो ये है, दोनों के बीच में जो एरिया है वो ये है, ये दोनों के बीच में एरिया है। आप अगर इस एरिया को ध्यान से देखें तो इस एरिया में जो ये राइट हैंडेड इस पूरे एरिया में जो राइट हैंडेड पैराबोला है वो ऊपर है और जो अपवर्ड पैराबोला है वो नीचे है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कह रहे बच्चों बिल्कुल देखो एक और बिल्कुल आपको, क्योंकि रफ हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो आप देखिए हमारे पास
वर्टेक्स 00 पे है तो राइट हैंडेड पैराबोला हमारा ये बनेगा और अपवर्ड पैराबोला आपका ये बनेगा। तो इन दोनों के बीच में एरिया आ गया ये, तो फिर भी देखो ये हमारे पास जो राइट हैंडेड पैराबोला है वो ऊपर है और जो डाउनवर्ड पैराबोला है वो नीचे है, तो सिचुएशन सेम ही रहनी है। अगर आप राउंड भी प्लॉट करोगे तो भी यही सिचुएशन रहेगी। देखो ये तो हमारा 00 है और यहाँ पे ये जो पॉइंट हो गया वो 11 हो जाएगा बस, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो 2 ही थे, 00 और 11, तो एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक यहाँ। यहाँ पे अपने स्केल को बड़ा कर दिया है, यहाँ पे अपने स्केल को थोड़ा सा छोटा रखा है। तो इस तरह से अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो ऑलमोस्ट आपका जो ग्राफ है वो ठीक ही होगा, बस आपकी कर्व की अंडरस्टैंडिंग ठीक हो। आप इसको लाइन मान के चलेंगे और इसको सर्कल मान के चलेंगे तो फिर तो गड़बड़ होगी, अदरवाइज गड़बड़ नहीं होगी किसी प्रकार की। तो अब इसको देखते हैं। अब हमें पता चल गया कि कौन सी कर्व ऊपर है और कौन सी कर्व नीचे है, तो अब हम लिख सकते हैं कि एरिया बाउंडेड दैट इज इक्वल टू शेडेड एरिया जो ग्रीन से शेड कर रखा है। तो ये हमारे पास क्या होगा, वाई ऑफ अपर कर्व है हमारे पास पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला, और राइट हैंडेड पैराबोला का जो वाई होगा वो रूट एक्स होगा, रूट एक्स माइनस वाई ऑफ लोअर कर्व हमारे पास ये अपवर्ड पैराबोला है, इसका वाई है हमारे पास एक्स स्क्वायर। लिमिट देखो यहां 0 0 यहां 1 1, तो 0 से 1 तक आ जाएगा तो लिमिट होगी 0 to 1। अब इसके लिए हमें इसको सोल्व कर लेते हैं, अब देखो ये एक्स रेस्ट टू पावर 1/2 है तो एक्स रेस्ट टू पावर 3/2 हो जाएगा, ये डिवाइड बाय 3/2 माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 ओवर द लिमिट 0 to 1। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, एक्स रेस्ट टू पावर 1/2 + 1 करना होता है ना, तो ये 1/2 + 1 3/2, यहां पर 3/2, ये 3/2 को मैंने लिख दिया 2/3 और एक्स रेस्ट टू पावर 3/2 एक पावर पूरी है और एक आधी है, तो एक्स रूट एक्स हो गई माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 ओवर द लिमिट 0 to 1। तो पहले अब एरिया बाउंडेड, यहां शॉर्ट में लिख देते हैं एरिया बाउंडेड, पहले अपर लिमिट लिख देंगे इसमें 1 पुट करेंगे तो 2/3 ये 1 रूट 1 से भी 1 मिलेगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, 1 का क्यूब भी 1 होता है 2/3 माइनस 1/3, यहां से तो अपर लिमिट से तो ये मिला माइनस अब लोअर लिमिट से एक्स की जगह पर 0 पुट करेंगे सारा 0 0 पुट करेंगे सारा 0 तो 0 - 0, तो यहां से तो कुछ मिला नहीं। देखो 2/3 - 1/3 तो एलसीएम हमारे पास 3 आ गया, 2 - 1 यानी कि 1/3 एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से ये जो क्वेश्चन आया है वो 8.2 एक्सरसाइज से आया है और दोनों में ही उसने क्या ले लिया है, पैराबोला लिए हुए हैं, तो वो पैराबोला भी ले सकता है, वो दोनों सर्कल भी ले सकता है, वो एलिप्स और स्ट्रेट लाइन भी ले सकता है, वो सर्कल और स्ट्रेट लाइन भी ले सकता है। तो इस तरह से आपको सभी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है सेक्शन बी का, इसमें कहा गया है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस आर इज इक्वल टू आई प्लस 2j + 3k प्लस लैम्डा इंटू आई माइनस 3j + 2k एंड सेकेंड लाइन इज 4i + 5j + 6k प्लस म्यू इंटू 2i + 3j + k। तो ये 2 लाइन्स हमारे पास गिवन है, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। तो प्यारे बच्चों ये आपके एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस तरह का क्वेश्चन या तो यही या फिर इस तरह का क्वेश्चन जिसमें हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये 100% श्योर है आपके एग्जाम में आना ही आना है ऐसा क्वेश्चन। तो इसमें जितनी भी टाइप का क्वेश्चन है, ये तो देखो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, कार्टेशियन फॉर्म में भी गिवन हो सकता है, तो आप कार्टेशियन फॉर्म की वेक्टर फॉर्म की या इस टाइप के बुक में जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में आप उनको सबको अच्छे तरीके से कर ले, ये आपके 4 मार्क्स पक्के हैं, 100% श्योर है ये आपके एग्जाम में आना। तो अब देखिए आप इसको किस तरह से करेंगे, तो ये 2 लाइंस हमारे पास गिवन है, तो
इसको तीन को हम जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उनके साथ कंपेयर कर लेते हैं। इसको लिखते हैं हम कंपेयरिंग विद आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, और ठीक इसी तरह से हम इसको कंपेयर कर लेते हैं कंपेयरिंग विद आर इज इक्वल टू सी प्लस म्यू डी। जिस टाइप की लाइंस हमें गिवन थी उसी तरह से उसी फॉर्म से हमने इसको कंपेयर कर लिया। तो यहां से हमें क्या मिल गया कंपेयर करने से, सो ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास ए हो जाएगा आई प्लस टू जे प्लस थ्री के। इसी तरह से बी आ जाएगा हमारे पास आई माइनस थ्री जे प्लस टू के। इसी तरह से सी वेक्टर आ जाएगा हमारे पास फोर आई प्लस फाइव जे प्लस सिक्स के, एंड जो डी वेक्टर है वो आ जाएगा हमारे पास टू आई प्लस थ्री जे प्लस के। तो ये वेक्टर ए बी सी और डी हमने लिख दिए। अब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गिवन लाइंस, इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास सी माइनस ए बी क्रॉस डी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस डी। प्यारे बच्चों डॉट प्रोडक्ट तो नेगेटिव भी हो सकता है, तो आप मोड इस ऊपर वाले पार्ट के साथ लगा दें या फिर इस पूरे के साथ मोड लगा दें, पूरे के साथ हम मोड लगा लेते हैं। यदि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती तो आंसर हमें पॉजिटिव लेना है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसमें आपको जो सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला तब है जब लाइन्स पैरेलल नहीं है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि लाइन पैरेलल तो नहीं है। इसके लिए आप बी और डी को चेक करेंगे, बी और डी। अब इनके कोफिशियंट डिवाइड कर लें, वन डिवाइड बाय टू, इसका वन इसका टू, यहां पे माइनस थ्री और थ्री, माइनस थ्री और थ्री, टू और वन। अब ये इक्वल नहीं होने चाहिए, अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब ये लाइंस पैरेलल है। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आपको ये चेक करना, मैंने तो चेक कर लिया था, लेकिन सबसे पहले आप बी और डी को चेक कर ले कि ये पैरेलल ना हो। अगर ये पैरेलल है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब देखो ये हमारे पास वन बाय टू है, और यहां से जब इसको कैंसिल करेंगे ये तो वन बाय टू, यहां माइनस वन आया, ये टू बाय वन आया, तो ये आपस में इक्वल है ही नहीं है। तो अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब पैरेलल है, और अगर पैरेलल है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा सी माइनस ए क्रॉस बी इट्स मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा अगर लाइंस पैरेलल है। तो सबसे पहला काम हमें ये चेक करना है कि लाइंस पैरेलल तो नहीं है। तो अगर लाइन पैरेलल है तो ये फॉर्मूला होगा। ऐसा क्यों हुआ, देखो अगर लाइन पैरेलल हुई तो बी क्रॉस डी जब आप कैलकुलेट करोगे, बी क्रॉस डी जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो जीरो वेक्टर बन जाएगा। तो वहां से अंदाजा लगा लेना। मान लो अगर आप ये बात आप भूल भी जाते हो तो आप b क्रॉस d जब चेक करोगे कैलकुलेट करोगे तो ये जीरो आ जाएगा। तो अगर ये जीरो आ जाएगा इसका मतलब लाइंस पैरेलल है, और आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो प्यारे बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन के लिए। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कहीं कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है आएगी हमें। स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। सबसे पहले हम सी माइनस ए कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ C माइनस ए, सी वेक्टर है हमारा ये रहा फोर आई प्लस फाइव जे प्लस सिक्स के, माइनस ए तो माइनस आई माइनस टू जे और माइनस थ्री के। तो फोर आई माइनस आई थ्री आई आ जाएगा, फाइव जे माइनस टू जे प्लस के थ्री जे, और सिक्स के माइनस थ्री के तो ये भी थ्री के। तो ये आ गया हमारे पास सी माइनस ए। अब हमें कैलकुलेट करना है बी क्रॉस डी। तो बी क्रॉस डी
क्रॉस प्रोडक्ट है आई जे और के, बी है के लिए कंपोनेंट है हमारे पास 1-3 और 2, और डी के लिए है 2, 3 और 1, 2, 3 और 1। अब यहां से देखो आई के लिए -3 और -6, माइनस जे के लिए 1-4, ये कैप जरूर लगा देना यूनिट वेक्टर के लिए, प्लस के, के के लिए 3 और ये -1 प्लस हो जाएगा 3+6, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहीं पर लिख देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा -9i, -3j और ये प्लस हो जाएगा +3j और +9k। तो ये हमारे पास बी क्रॉस बी आ गया। अब बी क्रॉस बी आ गया तो इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए हम, तो यहीं पे इसका मैग्नीट्यूड कर देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस डी दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ -9² + 3² + 9² यहां पे ये 81+9+81 और इसका स्क्वायर रूट 80 और 80 160 और 10 170, तो ये हो जाएगा हमारे पास 171 हमारे पास आ गया। अगर आप इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप इनको प्लस कर लें, 1 आ जाएगा 16 और 1 70। अब यहां से ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। अब आप देखें हमें सी माइनस ए और बी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड भी निकालना था, सी माइनस ए और बी क्रॉस डी का डॉट प्रोडक्ट भी निकाल रहे हैं। सी माइनस ए ये है हमारे पास 3i+3j+3k डॉट -9i+3j+9k। यहां से 3 मिलेगा और ये माइनस के 9 प्लस, यहां से 3 और यहां से भी 3 प्लस, यहां से 3 और यहां से 9, 3-9, 3 और 3 और 3 और 9, तो यहां से हमारे पास आ गया -27+9 और +27, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ गया 9। तो सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास 9, इसको 9 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गिवन लाइंस दैट इज इक्वल टू सी माइनस ए और बी क्रॉस डी, इनका डॉट प्रोडक्ट आया 9 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस डी 171। अब यहां से इसका मोड, ये तो पहले ही पॉजिटिव था, तो यहां पे 9 डिवाइड बाई √171। अब देखो आप ये यहां पे आंसर लिख सकते हो, आप यूनिट्स लिख के इसका आंसर लिख सकते हो, और आप अगर रैशनलाइज करना चाहो तो रैशनलाइज कर सकते हो। तो यहां पे आ गया 9√171 और डिवाइड बाय √171 की √171 के साथ करेंगे तो 171 हो जाएगा। अब ये 9 में कैंसिल हो जाएगा, 9 वन जो 9 और 8 और ये 81 से 9, तो यहां पे आ गया हमारे पास ये √171/19। तो ये हमारे पास इसका यूनिट्स लिख देंगे साथ में, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके आंसर कई तरीके से हो सकते हैं। अब देखो यहां से भी इसमें भी आप थोड़ा सा वेरिएशन ला सकते हैं, तो आप इसको जो ये √171 है इसको आप 9×19 भी लिख सकते हैं, आप इसको 9 × क्योंकि जब हमने 9 पे कैंसिल किया तो 19 आ गया, डिवाइड बाय 19 है ये हमारे पास,
यहां पे हमारे पास 19 है, इससे हमारे पास 3 मिला, ये रूट 19 है और डिवाइड बाय 19 यूनिट्स, तो एक आंसर इसका ये भी हो सकता है। और यहां से अगर हम निकालें तो देखो ये 9 डिवाइड बाय, इसकी बात कर रहा हूं, इसको आप 9 × 19 लिखें, 9 और ये 3√19, इसके साथ इसको कैंसिल करेंगे, 3 को कैंसिल करेंगे तो 3 डिवाइड बाय √19 यूनिट्स, तो इसका एक आंसर ये भी हो सकता है। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है, आंसर्स में कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। प्यारे बच्चों देखते हैं सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 10। वंस अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 100% श्योर ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम में 100% एज इट इज या फिर इसके जैसा बेस थ्योरम पे कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए जरूर आएगा। तो देखते हैं इसको। इसमें कहा गया है ए फैक्ट्री हैज 2 मशीन्स ए एंड बी, ए प्रोड्यूसेस 60% एंड बी 40% ऑफ द टोटल आउटपुट। उसके बाद 2% ऑफ द मशीन ए एंड 1% ऑफ द मशीन बी आर डिफेक्टिव, 2% मशीन ए की और 1% मशीन बी की डिफेक्टिव है। इफ वन आइटम इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द आउटपुट एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, जो कि कैसी मिली डिफेक्टिव, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। अगर वो कहता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द आइटम इज डिफेक्टिव, फिर तो ये क्वेश्चन होता लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का। अभी कह रहा है कि फाउंड डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, कि ये मशीन ए की है डिफेक्टिव आइटम। तो इसका मतलब ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। अब देखो पहले बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब जिस चीज की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, जिस चीज के बारे में बात हो रही है, डिफेक्टिव आइटम के बारे में बात हो रही है, तो उसको ए मानेंगे, और जिसमें से निकाल रहे हैं उसको E1, E2, E3 मानेंगे। तो मशीन कितनी है 2, E1 और E2 ले लेंगे उसको। लेट E1 बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग एन आइटम फ्रॉम मशीन ए एंड E2 बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग एन आइटम फ्रॉम मशीन बी। एंड ए बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग डिफेक्टिव, क्या चीज है, टोटल आउटपुट 1%, सेलेक्टिंग डिफेक्टिव आइटम। यहां पे आमतौर पे क्या कहता है, बोल्ट वगैरह या कुछ भी आइटम का नाम नहीं देते हैं, यहां पे सीधा ही आइटम ही बोला गया है। तो इवन हमने इवेंट मान लिया कि जो आइटम चूज किया वो मशीन ए से है, E2 हमने मान लिया कि बी से है, और ए मान लिया कि वो डिफेक्टिव आइटम है। अब आपको इनकी प्रॉपर्टीज निकालनी है। यहां पे दिस इंप्लाइज पी इवन है मशीन ए से, जो वो आइटम प्रोड्यूस है वो मशीन ए की है, तो ए कितने परसेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 60%, तो ये हो गया 60 डिवाइड बाय 100। तो आप इसको कैंसिल कर लें, एक जीरो ही कैंसिल
कर ले बस, क्योंकि आपको फिर एलसीएम में दिक्कत नहीं आएगी आगे। पीई टू ये हमारे पास 40% है, तो 40 डिवाइड बाय 100 यानी कि 4 डिवाइड बाय 10। अब पी ए बाय इवन कंडीशनल प्रॉपर्टी, डिफेक्टिव आइटम तो है लेकिन कब, जब जो आइटम है वो किस में से लेनी है, मशीन ए के आइटम में से लेनी है। तो मशीन ए ए ए ने जितने प्रोड्यूस किए हैं उसके कितने परसेंट डिफेक्टिव है, उसके 2% डिफेक्टिव है, तो ये हमारे पास कितना है 2 डिवाइड बाय 100। अब देखो यहां पे और इसी तरह से पी ए बाय ई टू मशीन बी से डिफेक्टिव, ये कितना है हमारे पास 1 डिवाइड बाय 100, 1%। नाउ बाय बेस थ्योरम, बाय बेस थ्योरम, या तो आप यहां पर रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी लिखे या फिर जिसके बारे में मशीन ए से पूछा गया है, तो मशीन ए के लिए हमारे पास बनेगा पी ई वन बाय ए। फॉर्मूला है हमारे पास, यहां नीचे से स्टार्ट करेंगे आप फॉर्मूला लिखना तो इजी रहेगा, पी ई वन पी ए बाय ई वन प्लस पी ई टू और पी ए बाय ई टू। अब देखो मशीन ए से है तो मशीन ए वाला पार्ट ऊपर लिख दो, पी ई वन पी ए बाय ई वन, तो ये आपने ऊपर लिख दिया बस। अब ये वैल्यूज रखनी है, पी ई वन है हमारे पास 6 डिवाइड बाय 10, ए बाय ई वन ये हमारे पास 2 डिवाइड बाय 100, ये हो गया 6 डिवाइड बाय 10 और 2 डिवाइड बाय 100 प्लस ये हमारे पास 4 डिवाइड बाय 10 और 1 डिवाइड बाय 100, ये 4 बाय 10 और ये 1 डिवाइड बाय 100। अब आप देखेंगे इसको लिख देंगे, ये हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया 12 डिवाइड बाय 1000। कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि इसका एक बेनिफिट हमें नीचे मिलेगा, 12 डिवाइड बाय 1000 प्लस 4 डिवाइड बाय 1000, यहां से 12 डिवाइड बाय 1000 इसका एलसीएम 1000 आ गया, तो ये 12 प्लस 4 यानी कि 12 डिवाइड बाय 1000 और ये 16 डिवाइड बाय 1000, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 12 डिवाइड बाय 16 4 पे कैंसिल करेंगे 3 और ये 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 बाय 4, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। सेक्शन बी में हमारे पास 4 ही क्वेश्चन थे, तो ये हमारा 4th क्वेश्चन था। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन नंबर 9 है और जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये तो हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए दोनों। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की बात करें तो 7 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 8th में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं 8th के लिए, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, वहां पर के तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 और 10 तो ऐसे हैं, ये तो श्योर है दोनों आने ही आने हैं 100%। क्वेश्चन नंबर 7 भी मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है इसके आने के, जो क्वेश्चन नंबर 8 है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से, इसकी आप थोड़ी सी ज्यादा तैयारी करें कि इसमें वैरायटी बहुत ज्यादा है क्वेश्चंस में। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास सेक्शन बी। प्यारे विद्यार्थियों बात करें अगर सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी के लिए 2 क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, एक है मैट्रिक्स मेथड और एक है लीनियर प्रोग्रामिंग में मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करना, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना। तो यहां से अगर इस सैंपल पेपर में देखें तो दोनों ही क्वेश्चन हमारे पास इस सैंपल पेपर में आए हुए हैं। तो हम बात कर रहे हैं सेक्शन सी की, सेक्शन सी जिसमें हमारे पास 2 क्वेश्चन होंगे और 6 मार्क्स के लिए होंगे, यानी कि सेक्शन सी हमारे पास 12 मार्क्स के लिए है, और यहां पे जो दोनों क्वेश्चन है उनके और में भी एक क्वेश्चन दिया होगा, यानी कि आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 में भी 2 दोनों में से कोई सा एक, और क्वेश्चन नंबर 12 में भी 2 दोनों में से कोई भी आप एक उनमें से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं,
अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 यह है हमारा, शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी माइनस सी टू बी बी माइनस सी माइनस ए टू सी माइनस ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इट्स होल क्यूब। तो हमें ये प्रूव करना है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 से एक क्वेश्चन हो गया। इसमें हमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट यानी कि डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज है उनका यूज करके इसको सोल्व करना है, क्योंकि अगर विदाउट प्रॉपर्टी के सोल्व करोगे तो आपके लिए आंसर बना पाना बहुत मुश्किल होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम प्रॉपर्टी से ही सोल्व करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से ही सोल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी माइनस सी टू ए टू बी यह है बी माइनस सी माइनस ए टू बी एंड टू सी सी माइनस ए माइनस बी। अब आपको करना क्या है, जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज है वो अप्लाई करनी है, और जो ये राइट हैंड साइड है इसका कुछ ना कुछ पार्ट हमें कॉमन बाहर निकालना है, ताकि हमारा जो आंसर निकालना है वो आसान हो सके। और हम प्रयास करेंगे कि इसमें कहीं भी किन्हीं भी दो पोजीशन पे या R1 की दो पोजीशन पे या C1 की या कहीं भी दो जीरो बन जाए, इससे हमारा जो आंसर है वो इजिली आ जाएगा। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है, एक तो कि आपको कुछ ना कुछ पार्ट कॉमन निकालना है जो राइट हैंड साइड में, ऐसा कुछ पार्ट कॉमन निकालना है, और दो जीरो बनाने का प्रयास करना है, या C1 में बन जाए या R1 में बन जाए, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में बन जाए। तो अब आप देखें कि अगर मैं ये ऑपरेशन अप्लाई कर देता हूं, R1 अप्रोचेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर मैं ये ऑपरेशन अप्लाई कर देता हूं तो आप देखेंगे कि हमारे पास क्या चेंज आएगा। इस तरह की किसी भी ऑपरेशन से डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो ये R1, ये R2 और ये R3 चेंज होगा R1 में। फर्स्ट एलिमेंट को प्लस करेंगे तो ए माइनस बी माइनस सी टू बी और टू सी, देखो माइनस बी और प्लस के टू बी तो बी बन जाएगा, माइनस सी और प्लस के टू सी तो सी बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। इनको भी आप ऐसे ही प्लस करोगे, देखो टू ए और माइनस ए तो ए आ जाएगा, बी हमारे पास है ही है, टू सी और माइनस सी तो प्लस का सी आ जाएगा, यहाँ पे देखो टू ए माइनस ए आ जाएगा, इसी तरह से टू बी माइनस बी तो प्लस का बी आ जाएगा और प्लस का सी हो जाएगा। नेक्स्ट ये टू बी बी माइनस सी माइनस ए टू बी, यहां पे टू सी सी माइनस ए माइनस बी। अब आप देखें कि जो राइट हैंड साइड में है उसका एक पार्ट हमारे पास कॉमन आ गया R1 में। अगर आप R1 को ध्यान से देखें तो हम लिख सकते हैं कि टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1 से हम इसको कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी प्लस सी तो बाहर कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा, देखो यहाँ पे 1 और 1, ये 2b b माइनस सी माइनस ए और ये 2b 2c 2c और c माइनस ए माइनस बी। तो देखो हमने जो पहली बात की थी उसमें कहा था कि आपको जो राइट हैंड साइड है उसका कुछ ना कुछ पार्ट कॉमन लेना है, जो कि हमारे पास आ गया, और कोशिश करनी है कि दो जीरो बन जाए। तो दो जीरो बनाने के लिए आप देखेंगे कि यहां देखो 1 1 1 है, तो हम ले लेते हैं C1 अप्रोचेस टू C1 माइनस C2 और C2 अप्रोचेस टू C2 माइनस C3। C1 अप्रोचेस टू C1 माइनस C2 और C2 अप्रोचेस टू C2 माइनस C3, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो जीरो और इसमें से ये माइनस करेंगे तो भी जीरो, तो हमारे पास दो जीरो भी बन जाएंगे। तो अब आप देखेंगे हम यहां पे लिख लेते हैं
कि हमारे पास यहां लिख लेते हैं, इसको एक लाइन लगा देते हैं यहां पे, अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हो जाएगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी तो पहले ही है हमारे पास, दिस माइनस दिस जीरो, दिस माइनस दिस, देखो ध्यान से, इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो बी प्लस बी रह जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा एक्चुअल में, ए प्लस बी प्लस सी। रिपीट कर रहा हूं, इसमें से जब ये माइनस करेंगे टू बी माइनस बी तो बी रह गया, ये प्लस का सी हो गया, प्लस का ए हो गया, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी हो गया, और इसमें से ये माइनस किया तो ये भी जीरो हो गया। नेक्स्ट इस आर टू अप्रोच सी टू अप्रोचेस टू सी टू माइनस सी थ्री, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो जीरो, यहां से इसमें से ये माइनस करेंगे, ध्यान से देखो बी माइनस टू बी तो माइनस का बी और माइनस का सी बी और माइनस का ए बी है, तो ये हो गए माइनस के ए माइनस के बी और माइनस के सी, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले ले तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। अब यहां पे आ जाओ सी माइनस सी, सी प्लस का रह जाएगा और ये प्लस का ए हो जाएगा और प्लस का बी हो जाएगा, यानी कि यहां पे भी हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी आ गया। ये हो गया वन, ये हमारे पास टू बी और ये हमारे पास सी माइनस ए माइनस बी, तो यहां पे पहुंच गए दो जीरो भी बन गए हमारे पास। अब देखेंगे दो जीरो और एक एक्स्ट्रा भी बनेगी, तो यहां से हमारे इन दो जीरो से काम चल जाएगा। लेकिन आप एक चीज और ध्यान रखें, जो आंसर है हमारा उसका वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमें मिल गया, अगर हम सीवन में से टेकिंग सीवन में से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लें, सी टू में से भी आ जाएगा, यहां पे माइनस वन आ जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले तो ये भी ए प्लस बी प्लस सी बनेगा, तो हम लिखेंगे टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम सी वन एंड सी टू, सी वन में से भी कॉमन ले लिया और सी टू में से भी कॉमन ले लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी, ये तो पहले ही था, एक इसमें से लिया और एक इसमें से लिया, तो ये क्यूब हो गया दो और बार आ गई, तो यहां से जीरो वन जीरो जीरो, यहां पे माइनस वन वन वन, टू बी सी माइनस ए माइनस बी। अब इसको एक्सपेंड कर दो, दो जीरो तो बन गई हमारे पास, आंसर का पार्ट भी आ गया, यानी कि इससे हमें वन मिलेगा। अब हम लिख देते हैं कि एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग अलोंग आर वन, आर वन के अलोंग एक्सपेंड कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इट्स ऑल क्यूब, और यहां से जीरो के लिए सारा कुछ जीरो हो जाएगा, माइनस जीरो के लिए भी सब कुछ जीरो बनेगा, और वन के लिए देख लेते हैं, वन के लिए यहां पे वन माइनस ये जीरो, तो आप देखेंगे यहां से तो वन ही मिला, तो वन मिला तो जब इसकी वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी इट्स ऑल क्यूब दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव हेंस प्रूव। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों यहां पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इस तरह के जहां पे प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आता है तो इसके लिए जो की फैक्टर है वो यही है कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करके आपको कुछ ना कुछ पार्ट कॉमन निकालना है, और कॉमन निकालने के बाद आपको दो जीरो बनाने का प्रयास करना है, चाहे वो आर वन में बन जाए, चाहे वो सी वन में बन जाए, या किसी भी रो या किसी भी कॉलम में बन जाए। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। ये दो बातें ही इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का की फैक्टर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके और में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसके जो और में क्वेश्चन दिया हुआ है आपको पता ही है कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग हर साल जो एग्जाम में आता है वही क्वेश्चन है, मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन इसके और में दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं उसको भी। बच्चों ठीक किसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसके जो और में क्वेश्चन आया हुआ है वो हमारा हमेशा के लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है हर साल जो आता है, ये इस तरह का जो क्वेश्चन है मैट्रिक्स मेथड का जो क्वेश्चन है वो 100% श्योर है वो हर एग्जाम में आता है, तो आप इसके साथ लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन या इसके जैसा कोई जो क्वेश्चन है वो आपके फाइनल एग्जाम में 100% श्योर है, आना ही आना है ये। तो आप इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे, यहां पे लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास थ्री इक्वेशन गिवन है, 3x माइनस वाई माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1,
एंड 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 और इसको 3 मान लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इन इक्वेशन को कैसे लिख लेते हैं, तो हम लिखेंगे कि गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज कैसे, ए एक्स दैट इज इक्वल टू बी, इसको 4 मान लेते हैं। वेयर, अब यहां पे बता देंगे हम कि यहां पे ए क्या है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास जो जिनकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, जिन वेरिएबल्स की क्या वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है उनके कोफिशियंट्स 3 माइनस 2 और 3 यहां पे इसमें 2 1 और -1 4 माइनस 3 और 2 4 माइनस 3 और 2 ये बात आप ध्यान रखिए। मान लो यहां पे y नहीं है तो y के कोफिशियंट की जगह पे सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट यानी कि यहां पे 0 आ जाएगा। मान लो इसमें z नहीं है तो थर्ड रो में यहां पे 0 आ जाएगा। इसके साथ साथ x है हमारे पास, x मैट्रिक्स यानी कि जो हमें वैल्यूज फाइंड करनी है, और जो b मैट्रिक्स है वो राइट हैंड साइड में है हमारे पास 8 1 और 4। ये हमें हमारे पास आ गया मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स एक्स और मैट्रिक्स बी। अब हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं मैट्रिक्स ए का। तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए 3 माइनस 2 और 3 2 1 और -1 4 माइनस 3 और 2। इसका जब डिटरमिनेंट हम कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं कितना बनेगा। यहां पे हमारे पास ये 3 इंटू 3 के लिए 2 और -3 क्योंकि 3 माइनस इकट्ठे हो जाएंगे 2 2 तो ये है और एक हम माइनस लगाते हैं तो 2 माइनस 3 और यहां माइनस और ये -2 तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो प्लस का 2 हो जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 और माइनस माइनस प्लस तो 4 प्लस 4 और प्लस 3 के लिए हमारे पास आ जाएगा -6 और -4 -6 -4 तो यहां पर हमारे पास कितना हुआ ये -1 तो इससे मिलेगा टोटल -3। यहाँ पे 8 से हमारे पास कितना आ जाएगा 16 और यहां से हमारे पास -10 की 3 से करेंगे तो माइनस के 30 हो जाएंगे। तो यहां पे हमारे पास आ जाएंगे माइनस के 33 और प्लस के 16 तो माइनस के 17 बने हमारे पास ये। तो ये हो गया हमारे पास माइनस के 17 नॉट इक्वल टू 0। या फिर आप आगे लिख दो इसको कि डिटरमिनेंट ए दैट इज इक्वल टू -17 नॉट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो आप ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो ए इनवर्स होता है हमारे पास ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब देखो हमारे पास हमने डिटरमिनेंट तो निकाल लिया, अब हमें एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें पहले कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, तो कोफैक्टर निकालते हैं a11 मीन्स कोफैक्टर ऑफ स्मॉल a11। तो यहां पे कितना आएगा -1 रेस्ट टू पावर 1 प्लस 1 ये तो आप यही लिख सकते हो जो ये लिखे हुए हैं डायरेक्ट अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है। तो 2 माइनस 3 तो यहां से -1 इससे तो प्लस ही मिलेगा तो ये टोटल हुआ -1। a12 -1 रेस्ट टू पावर 1 प्लस 2 ये वाला 4 प्लस 4 8 और इससे माइनस तो माइनस के 8 हो गया। a13 -1 रेस्ट टू पावर 1 प्लस 3 यहां पे -6 और -4 तो ये -10 क्योंकि इससे तो प्लस मिलेगा हमें। ठीक इसी तरह से a21 -1 रेस्ट टू पावर 2 प्लस 1 -1 रेस्ट टू पावर 2 प्लस 1 इसमें देख लेते हैं, इसमें देख लो आप इसको इसमें देख लेते हैं। देखो इसको छोड़ इस रो और कॉलम को छोड़ दोगे आप 2 1 के लिए, हम इसको छोड़ देंगे तो यहां से इसके इसके साथ -4 और इसके इसके साथ प्लस के 9 -4 प्लस 9 तो यहां से हमारे पास 5 लेकिन ये माइनस है तो माइनस के 5। देखो अगर पावर बनती है ओड 3 5 7 तो माइनस आएगा इससे -1 मिलेगा, और अगर पावर का सम बनता है इवन जैसे 2 बनाए यहां पे 4 बनाए तो उससे फिर हमें प्लस का 1 मिलेगा। यानी कि अगर ओड पावर इनका सम ओड पावर बनता है तो माइनस इससे हमें माइनस मिलेगा, यानी कि ये जो भी वैल्यू बनेगी उसका साइन चेंज हो जाएगा, और अगर ये इवन इसका सम इवन बनता है
इससे जो भी वैल्यू मिलेगी वही रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ए टू टू माइनस वन रेस टू पावर टू प्लस टू, यानी कि यहां से देखो माइनस वन रेस टू पावर टू प्लस टू, माइनस वन रेस टू पावर टू फोर हो गया, यानी कि इससे वन मिलेगा, वन की जिसके साथ मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा, यानी कि जो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी वही आएगा। अब टू टू के लिए इसको छोड़ देंगे हम, यहां से सिक्स और ये माइनस ट्वेल्व, तो ये सिक्स माइनस ट्वेल्व, सिक्स माइनस ट्वेल्व, सिक्स माइनस ट्वेल्व, यानी कि हमारे पास माइनस सिक्स आ जाएगा। ए टू थ्री माइनस वन रेस टू पावर टू प्लस थ्री, यहां पे हमारे पास टू थ्री, इसके लिए इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे हम, यहाँ पे माइनस के नाइन और ये प्लस के एट हो जाएंगे, माइनस के नाइन और ये प्लस के एट, माइनस नाइन प्लस एट, यहां से माइनस वन मिलेगा लेकिन इससे भी माइनस वन है तो ये प्लस का वन हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से यहीं पे कर लेते हैं हम, चलो यहां कर लेते हैं। ए थ्री वन माइनस वन रेस टू पावर थ्री प्लस वन, तो थ्री प्लस वन के लिए हम इसको और इसको छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू और माइनस थ्री, टू माइनस थ्री, तो ये माइनस वन है, ये पॉजिटिव है तो माइनस वन ही मिलेगा। ए थ्री टू माइनस वन रेस टू पावर थ्री प्लस टू, इसके लिए इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, यहां पे हमें मिल गया माइनस थ्री और ये माइनस सिक्स, माइनस थ्री माइनस सिक्स, तो माइनस नाइन से प्लस का नाइन हो जाएगा। ए थ्री थ्री माइनस वन रेस टू पावर थ्री प्लस थ्री, तो ये यहां से इसके इसके साथ आ जाएगा थ्री और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस फोर बनेंगे तो थ्री प्लस फोर हो जाएगा ये, तो ये सेवन हो गए, ये पॉजिटिव है, हमारे पास सेवन ही आ गया, तो ये हमारे पास कोफैक्टर्स आ गए। अब हम लिखेंगे एडजॉइन, अब हम लिख सकते हैं कि एडजॉइन ऑफ ए, एडजॉइन ऑफ ए दैट इज इक्वल टू कोफैक्टर्स ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री इट्स ट्रांसपोज। तो वैल्यूज अब हम इसके अंदर रख देंगे, इसके अंदर जब हम वैल्यू रखेंगे तो यहां से ये हमारा सेक्शन सी चला हुआ है, यहां पे लिख देते हैं सेक्शन सी, तो यहां पे हमारे पास वैल्यूज अब रखेंगे तो ये है हमारे पास माइनस वन माइनस एट और माइनस टेन, माइनस वन माइनस एट माइनस टेन, नेक्स्ट है हमारे पास माइनस फाइव माइनस सिक्स और वन, नेक्स्ट है हमारे पास माइनस वन नाइन और सेवन, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब प्यारे बच्चों यहां पर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, ट्रांसपोज करना भूल जाते हैं, अब इसका ट्रांसपोज करना बाकी है, इसका ट्रांसपोज करेंगे, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे माइनस वन माइनस एट माइनस टेन, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम माइनस फाइव माइनस सिक्स और वन, नेक्स्ट है माइनस वन नाइन और सेवन, तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। दिस इंप्लाइज अब हम लिखेंगे ए इनवर्स, ए इनवर्स इज क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डेटरमिनेंट ऑफ ए, डेटरमिनेंट ए हम आगे लिख देते हैं कितना है हमारा, तो ये हम वन डिवाइड बाय माइनस सेवनटीन, क्योंकि डिवाइड में देखो इसके डिवाइड में लिखेंगे तो अजीब सा लगेगा ना, तो इसको आगे लिख दिया और साथ में इसके लिख दिया एडजॉइंट, माइनस वन माइनस फाइव माइनस वन माइनस एट माइनस सिक्स नाइन माइनस टेन वन और सेवन, तो अब ये हमारे पास क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, वन डिवाइड बाय डेटरमिनेंट ए आगे की तरफ लिख दिया और ये एडजॉइंट ऑफ ए लिखा, अब इनवर्स आ गया, तो अब इसको आगे सोल्व करेंगे हम, यानी कि अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन फाइंड करेंगे। नाउ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फोर इज एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या हुआ, ए इनवर्स बी, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, ए इनवर्स ए कैंसिल होकर आइडेंटिटी आ गया, आइडेंटिटी भी एक्स के साथ करेंगे तो एक्स ही आ गया, यहां पे ए इनवर्स बी बनेगा, तो ऐसे हो गई हमारे पास। अब एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स माइनस वन डिवाइड बाय सेवनटीन, माइनस वन माइनस फाइव माइनस वन, माइनस एट माइनस सिक्स नाइन, माइनस टेन वन और सेवन, और बी, बी है हमारे पास एट वन और फोर, ये आ गया हमारे पास।
अब हम इसमें क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे इधर से इस तरह से और इधर से इस तरह से, इसकी मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। अब यहां से अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो माइनस वन की और एट की करेंगे तो ये माइनस के एट हो जाएंगे। नेक्स्ट इधर से आगे चलेंगे तो इधर से भी आगे चलेंगे, माइनस वन और माइनस फाइव और वन की करेंगे तो माइनस के फाइव हो जाएंगे, और माइनस वन की और फोर की करेंगे तो ये माइनस के फोर हो जाएंगे। अब देखो फर्स्ट रो कंप्लीट होगी। अब सेकंड रो पे आएंगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। इसके स्क्वायर करेंगे तो माइनस एट की और एट की करेंगे तो माइनस के 64, माइनस सिक्स की और वन की करेंगे तो माइनस सिक्स, नाइन की और फोर की करेंगे तो प्लस के 36 आ जाएंगे हमारे पास। नेक्स्ट माइनस टेन की और एट की करेंगे तो माइनस 80 हो जाएगा। यहां से आगे चलेंगे वन की और वन की करेंगे तो प्लस का वन हो जाएगा, सेवन की और फोर की करेंगे तो 28 हो जाएगा। अब यहां से हमारे पास देखो हमें क्या मिला, एक हमने एक मिस्टेक कर दी छोटी सी कि ये तो साथ में ही चलेगा ना, माइनस वन बाई 17, ये वन वन आगे लिख दिया और माइनस 17 लिख दो या माइनस आगे लिख दो, एक ही बात है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा और एडजस्ट करना पड़ेगा, चलो मैं यहां लिख देता हूँ, एक ही बात आगे लिख ले, यहाँ पे लिख दे एक ही बात है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस वन डिवाइड बाय 17। अब देखो ये कितने बन गए हमारे पास, ये हो गए माइनस एट, माइनस फाइव और माइनस फोर, तो ये माइनस के 17 हो गए। अब यहां से हमारे पास ये हो गए माइनस के 64, माइनस के 6 और प्लस के 36, तो प्लस के 30 रह जाएंगे। और देखो माइनस 6 और प्लस के 36 से प्लस के 30 और इसमें से 30 और माइनस कर देंगे तो ये माइनस के 34 आ गया। नेक्स्ट यहां पे प्लस के 29 है, अगर 30 होता तो ये 50 होता तो ये माइनस के 51 रहेंगे। अब देखो ये हमारे पास एक्स था क्या हमारे पास, ये है एक्स वाई जेड, और जब मैं इस माइनस इसको अंदर लेके जाऊंगा तो देखो ये 17 से डिवाइड हो जाएंगे, माइनस है हमारे पास, माइनस भी है, माइनस अंदर चला गया तो प्लस के हो गए, और 17 से डिवाइड हुए हमारे पास ये, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 17 डिवाइड बाय 17, 34 डिवाइड बाय 17 और 51 डिवाइड बाय 17, तो ये हमारे पास कैंसल हो गया, आ गया 1, 2 और 3, ये माइनस सबके लिए प्लस हो गया और ये 17 से डिवाइड हो गया। This implies x is equal to 1, y is equal to 2 और z is equal to 3, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब प्यारे बच्चों ये एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें गलती की काफी गुंजाइश रहती है, कहीं भी आपके कोई साइन में मिस्टेक होगी तो सारा क्वेश्चन आपका मतलब आप आंसर आपका मैच नहीं हो पाएगा, आपका एक या दो अंक कट जाएगा उसमें, तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी वेरिफिकेशन कर ले। वेरिफिकेशन ये आप रफ वर्क में करना चाहते हो, जहां भी आप रफ वर्क कर रहे हो वहां पे कर सकते हो, और अगर मेन पे जहां पे आपने ये क्वेश्चन किया जैसे मैं ये कर रहा हूं ठीक इसी तरह से करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। हमने लिखी कोई भी एक इक्वेशन उनमें से लिख लो, कोई भी एक हमने लिख लिया 3x, फर्स्ट ही ले लिया हमने माइनस 2y प्लस 3z दैट इज इक्वल टू 8, और इसमें ये वैल्यू पुट करके देख लो ट्रू होना चाहिए। एक्स की जगह पे 1 पुट किया तो 3 बने, y की जगह पे 2 पुट किया 2 की 2 के साथ तो माइनस 4, z की जगह पे 3 पुट किया तो ये प्लस के 9 दैट इज इक्वल टू 8, 3 और 9 12 माइनस 4 8 इज इक्वल टू 8 ट्रू, तो इसका मतलब जो ये हमारा आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपको वेरिफिकेशन जरूर करनी है, आप इनमें से कोई सी भी एक इक्वेशन ले सकते हैं, आप रफ वर्क में करें या फिर जहां पे आपने क्वेश्चन किया वहां पे भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमने सोल्व कर लिया मैट्रिक्स मेथड से क्वेश्चन को, हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 के दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बच्चों ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो ये भी हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, हमें पता है कि यहां से इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है, तो बिल्कुल सेम सैंपल पेपर में भी ऐसा ही दिया हुआ है। क्वेश्चन है हमारे पास कि मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 7x प्लस 6y सब्जेक्टेड टू द कॉन्स्टेंट्स, कंडीशन दी हुई है x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 50, 2x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 40, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैक्सिमाइज मीन्स हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है फंक्शन की। तो इसके सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो यहां पे हमारे पास गिवन
जो फंक्शन है हमारा वो है जेड इज इक्वल टू सेवन एक्स प्लस सिक्स वाई। तो ये हमारे पास फंक्शन है सेवन एक्स प्लस सिक्स वाई, और कंडीशन गिवन है एक्स प्लस टू वाई इज लेस देन इक्वल टू 50, इसको हम वन मान लेते हैं। ठीक इसी तरह से टू एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 40, इसको हम टू मान लेते हैं। नेक्स्ट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3, और वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4। तो सबसे पहले हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा इन इक्वेशंस के कोरिस्पोंडिंग, इन कंडीशंस के, इन कॉन्स्टेंट्स के कोरिस्पोंडिंग हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद कॉर्नर पॉइंट मेथड से इसका मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों आप अगर देखें इसको, तो यहां से इसका ग्राफ बनाने के लिए हम पहले इसको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहां पे हम लिख देते हैं x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 50, इसी तरह से यहां पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, और यहां देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसका जो मीनिंग है यानी कि आपका जो फिजिबल रीजन होगा वो कहां आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मीनिंग है जो आपका फिजिबल रीजन होगा, जो कॉमन रीजन होगा वो कहां आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब ये तो पता चल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, इन कंडीशन की वजह से वो और कम हो जाएगा जो फिजिबल रीजन है। अब देखते हैं इसमें, यहां पे हमें पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं, तो पॉइंट्स के लिए हम क्या करते हैं, एक बार एक्स को जीरो मान लेते हैं। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहां पे 2y इज इक्वल टू 50, तो यहां से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 2 यानी कि 25 आ जाएगा। तो पॉइंट आ गया हमारे पास 0 और 25। ठीक इसी तरह से व्हेन y इज इक्वल टू 0, y 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 50 आ जाएगा, तो यहां पे पॉइंट आ गया 50 और 0। ध्यान रखें 0 50 मत लिख देना, ये y है तो y तो y कोऑर्डिनेट पे ही आएगा, x पहले आएगा फिर y आएगा। तो दो ही पॉइंट चाहिए होते हैं हमें किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए, वो हमें मिल गए हैं। ठीक इसी तरह से हम इसको भी अगर सोल्व करें तो इसके लिए देख लेते हैं, इसके लिए हमें क्या मिलेगा, यहां पे हम लिख देते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 40 मिल गया हमें सीधा ही, तो 0 और 40 हमें पॉइंट मिल गया। ठीक इसी तरह से व्हेन y इज इक्वल टू 0 तो हमें मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू 40 और x इज इक्वल टू 20, तो यहां पे हमें पॉइंट मिल जाएगा 20 और 0, पहले x का और फिर y का। तो हमें इसको प्लॉट करने के लिए दो दो पॉइंट चाहिए थे, वो हमें मिल गए हैं। अब आप देखिए इसका प्लॉट अगर हम बनाते हैं कंस्ट्रक्शन, इसका ग्राफ बनाने के लिए हम देखो क्या करते हैं। अब आप देखेंगे हमारे पास जो पॉइंट्स है 0, 25, 50, 40, 20 है, तो आपकी मर्जी आप स्केल किस तरह से लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 10 का स्केल ले लेना चाहिए और उसमें फिर हम बीच में हमारा 5 आ जाएगा, तो हम स्केल ले लेते हैं 10 का। तो यहां से हम ले लेते हैं 10, 20, 30, 40 और ये 50, यहां पे x हो गया, ये x डैश हो गया, -10, -20, -30, -40 और -50, यहां पे 10, 20, 30, 40 और 50, यहां पे -10, -20, -30, -40 और -50। तो अब हम इसके लिए प्लॉट करके देखते हैं कि हमें इससे क्या मिलेगा। x इज 0, y इज 25, x 0, y 25 यहां पे होगा 20 और 30 के बीच में, x 50, y 0 ये हो गया हमारे पास। तो हम इसको इसके साथ मिला देते हैं, यहां से हम इसको मिला देते हैं और आप इस पे क्या करें, 1 लिख दे, इस पे हम लिख देते हैं 1। आप स्केल के साथ कर लें इसको, थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा। अब ठीक इसी तरह से हम इसके लिए करते हैं, इसमें हमारे पास x कितना है, x 0 है तो y 40 है, यहां पे ये पॉइंट है हमारे पास, और x 20 है तो y 0 है, x 20 है तो y 0 है। तो अब इसको भी हम यहां पे इस तरह से मिला देते हैं और इस पे हम लिख देते हैं 2, इस पे हम 2 लिख देते हैं। अब प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो इन इक्वेशन है ये हाफ प्लेन भी बोल देते हैं,
अब इनका जो रीजन होगा या तो नीचे की तरफ होगा या ऊपर की तरफ होगा। इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको चेक करने के लिए कोई भी एक पॉइंट ले लो आप इनके लिए, जैसे इसका रीजन वन का जो ये रीजन है नीचे की तरफ होगा या ऊपर की तरफ होगा, और इसी तरह से टू के लिए जो रीजन है इधर का होगा या इधर का होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। तो अगर ये ओरिजिन से पास नहीं रही कर रही है तो ओरिजिन सबसे बेस्ट पॉइंट होता है, कैलकुलेशन इजी होती है। तो हम इसको देखो चेक करते हैं, चेकिंग फॉर ओरिजिन, चेकिंग फॉर ओरिजिन यानी कि जीरो जीरो। देखो कॉन्स्टेंट्स है हमारे पास x प्लस टू वाई इज लेस देन इक्वल टू 50, तो जीरो प्लस जीरो इज लेस देन इक्वल टू 50, जीरो इज लेस देन इक्वल टू 50 ट्रू, तो ये हमारे पास ट्रू हो गया। सो यहां से हम लिख सकते हैं, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, सो द ग्राफ ऑफ इन इक्वेशन कंटेन ओरिजिन या फिर जीरो जीरो, तो इसका जो ग्राफ है वो जीरो जीरो को कंटेन करेगा। अब देखो फर्स्ट के लिए हमने बात की है और यहां से हमें पता चल गया था कि हमारा जो फिजिबल रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो सकता है क्योंकि इसका मीनिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जीरो जीरो को कंटेन करेगा, जीरो जीरो को कंटेन करेगा तो यहां कहां पे होगा, ये नीचे की तरफ होगा, जीरो जीरो की तरफ होगा, तो जीरो जीरो की तरफ होगा तो देखो ये सारा कट गया। अब हमें ये ट्रायंगल मिल गई, हमें ये ट्रायंगल मिल गई फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ये हमें ट्रायंगल मिल गई। अब जो सेकंड कंडीशन है उसके लिए कुछ ना कुछ और काम हो जाएगा। अब सेकंड कंडीशन के लिए चेक करो, सेकंड कंडीशन के लिए भी इसी तरह से जीरो जीरो के लिए चेक कर लेते हैं। ये है हमारे पास जीरो जीरो के लिए, जब चेक करेंगे एक्स की जगह पे जीरो, वाई की जगह पे जीरो इज लेस देन इक्वल टू 40, जीरो इज लेस देन इक्वल टू 40, तो ये भी क्या हुआ ट्रू हुआ। ऐसे लिख देंगे द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन कंटेन जीरो जीरो। अब इस ये भी जीरो जीरो को कंटेन करता तो इधर की तरफ होगा, तो इसके लिए भी हम लगा देते हैं कि ये इस तरह से होगा, जीरो जीरो की तरफ होगा। अब आप ध्यान से देखें कि ये जो ट्रायंगल थी जीरो जीरो की तरफ होगा, तो हमारे पास ये रीजन बच गया, ये आ गया हमारे पास रीजन, क्योंकि इस ट्रायंगल में से कुछ ना कुछ और कम होना था, तो ये हमारे पास रीजन रह गया। तो इसका नाम आप रखना चाहें तो नाम रख दें इसका, तो यहां पे हम इसका नाम रख देते हैं, यहां से ये तो ओरिजिन है ही है ओ, ये हम ए लिख देते हैं, ये हम बी लिख देते हैं और ये सी लिख देते हैं। तो अब यहां पे हम लिख देते हैं कि शेडेड रीजन, शेडेड रीजन कौन सा, ओ ए बी सी इज द रिक्वायर्ड, इज द रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन यानी के इसी में हमें मैक्सिमा या मिनिमा जो भी हमें चाहिए वो मिलेगा। तो अब आप देखेंगे कि पॉइंट देखो क्या है हमारे पास, तो पॉइंट हमारे पास ओ पॉइंट तो हमें पता है क्या है, जीरो जीरो है, ए पॉइंट हमने खुद ही प्लॉट किया है 20 जीरो है, सी पॉइंट भी हमने खुद ही प्लॉट किया है ये 0 25 है, बी का नहीं पता हमें, तो बी पॉइंट हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले हम बी पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, टू फाइंड पॉइंट बी, पॉइंट बी, पॉइंट बी हम पहले फाइंड करेंगे। तो पॉइंट बी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को आप उसमें सोल्व कर देंगे जैसे 10th क्लास में सोल्व करते थे, तो उस तरह से हम फाइंड कर देंगे। तो यहां पे हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 40, सॉरी 50 है फर्स्ट, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 50, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। और दूसरी है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 50 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। तो इसको 1 और 2 हमने इसको नाम दिया, तो इसको 3 और 4 नाम दे दें, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 100, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखो साइन चेंज कर लो इनके, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे हमारे पास माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 60, माइनस कैंसिल कर देते हैं, y इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 3, 20 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। तो y की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट थर्ड में, x प्लस 2y इज इक्वल टू हमारे पास 50 है, तो ये x प्लस 2 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 50,
तो x प्लस 40 इज इक्वल टू 50 और x इज इक्वल टू 50 माइनस 40 तो x इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। अब देखो हमारे पास सारे पॉइंट आ गए। अब इन पॉइंट्स पे हमें z की वैल्यू निकालनी है। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही हमारा मैक्सिमा होगा, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वही हमारा मिनिमा होगा। अब देखो हम पॉइंट लिख लेते हैं, पहले तो यहाँ पे जेड लिख दो। सबसे पहले तो हम जेड ही लिख देते हैं कि जेड हमारे पास कितना है। जेड है हमारे पास 7x + 6y और पॉइंट्स है हमारे पास पॉइंट ओ पॉइंट है हमारे पास ओ पॉइंट इज 00 ओ। यहाँ पे हम क्या करते हैं ओ 00। इसी तरह से ए ए पॉइंट है हमारे पास 20 और 0। इसी तरह से बी पॉइंट है हमारे पास एक्स तो 10 है, एक्स 10 है और वाई 20 है। और सी पॉइंट है हमारे पास सी पॉइंट हमने कुछ लगाया था, ये 0 और 25 है, 0 और 25 है। तो हम लिखेंगे कि एट पॉइंट, यहां पे एट पॉइंट दिस जेड की वैल्यू, जेड इज ये 0 प्लस 0 ये तो 0 ही रहा। यहां पे ए पे जेड कितना होगा, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 20 = 140, 6 × 0 = 0 तो ये 140 आ गया। बी पे जेड कितना आ जाएगा, 10 से ये हमारा 70 हो गया और ये हमारा जब 20 रखेंगे तो ये 120 हो गया, तो ये 190 हो जाएगा हमारे पास। एक्स की जगह पे 10 रखा तो ये हमारे पास 70 हो गया और वाई की जगह पे 20 रखा तो ये 120, यानी कि टोटल हमारे पास 190। जेड यहाँ पे ये तो 0 होगा और 25 की और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150 हो जाएगा, तो ये टोटल आ गया 150। अब हमसे पूछा गया है मैक्सिमाइज, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू देख लो आप क्या है इसकी। तो मैक्सिमम वैल्यू 0, 140, 190, 150, तो ये हमें मिली है मैक्सिमम वैल्यू। तो हम लिख देंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड दैट इज इक्वल टू कितनी, 190 एट एक्स इज इक्वल टू 10 एंड वाई इज इक्वल टू 20। तो तेरे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो इसकी जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करो उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो ये हमारे पास ए, जो हमारे पास 12 का ए पार्ट है, यानी कि ए पार्ट मीन्स यहाँ पे हम अगर दो पार्ट मान लें और भी है, दोनों में से आपको कोई भी एक करना है इसमें से, तो हमने ये फर्स्ट पार्ट किया है। ठीक इसी तरह से सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कोई ज्यादा सा चेंज नहीं है। यहाँ पे कहा गया है कि जेड आपके पास 3x + 5y सब्जेक्टेड टू द कॉन्स्टेंट्स x + 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कोई ज्यादा सा चेंज नहीं है, सेम हमारे पास क्वेश्चन है, कोई ज्यादा सा हमारे पास चेंज नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे और इसको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो सेक्शन सी पार्ट है, हमारे पास जो सब्जेक्टिव टाइप पेपर है जिसको पार्ट वन पेपर बोला गया है, उसका जो सी पार्ट है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो पार्ट ए है पेपर का, सब्जेक्टिव जो पेपर है, सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि बोर्ड ने ये सैंपल पेपर जारी किया है स्टूडेंट की हेल्प के लिए, तो ये इसमें जो क्वेश्चंस है, अगर हम पिछले साल के पेपर भी देखें, हम बोर्ड के पेपर देखें पीछे जितने भी आए हुए हैं, तो जो वहां पे क्वेश्चन आए हुए हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वही सारे क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुए हैं। यानी कि आपके एग्जाम में से इसमें से बहुत कुछ आने वाला है, तो आप इस क्वेश्चन पेपर की तैयारी जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।